subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राम वकील माथुर की शहादत में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर शहादत को सलाम किया। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए राम वकील माथुर का आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के काफले को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे देश के 44 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से जनपद मैनपुरी के बरनहाल थाना क्षेत्र के ग्राम विनायकपुर के शहीद राम वकील का भी नाम शामिल है। आज एक वर्ष बाद शहीद के समाधि स्थल पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने शहीद की पत्नी को शॉल उड़ाकर तथा शहीद के बेटे को माला पहनाई एवं उपहार भेंट कर परिवार के साथ शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शहीद स्थल तक जाने के लिए रास्ते के विवाद के बारे में एसडीएम करहल को आदेशित किया कि तत्काल शहीद स्मारक तक मार्ग बनाया जाए। साथ ही कई विद्यालयों के बच्चों ने मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद राम वकील को याद किया। जो हमारे शहीद लोग हैं, जो शहीद यहाँ से निकलते हैं, उनको सभी का साथ मिले, कभी परिवार अकेलापन महसूस न करे, उनको गर्व हो कि हाँ वो हमारे परिवार से थे, हमारे जनपद से थे, इसीलिए मैं परिवार से मिलने के लिए आया। शहीद हुए थे तो हम आज से ये शुरुआत करते हैं कि हर वर्ष, अभी तो एक दिवसीय, हम आगे से दो दिवसीय मेला लगाएंगे यहाँ पे शहीद राम वकील की याद में। शासन प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे कहाँ तक पूरे हुए और कहाँ तक नहीं हुए बताइए। शासन प्रशासन में अभी तो रास्ते की बात चली, रास्ता नहीं है, वहाँ शहीद स्मारक नहीं बनाया, और आंटी जी तो शहीद हुए, उनकी पत्नी को मकान देने के लिए बात की गई सरकारी तरफ से, और कुछ अधिकारी हमारे पास बीते 15-20 दिन तक आए भी थे, लेकिन उसके बाद में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, उनकी कोई हमें तक आज तक खबर नहीं है। मैंने जानकार भी की है लेकिन वो इधर उधर की टरका देते, कोई सीरियस जवाब नहीं देते। कार्यक्रम में आज जिलाधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप? जिलाधिकारी महोदय के एसडीएम साहब ने क्या कहे कि यहाँ से इधर से होते हुए रास्ता निकलवा दो, आप देखते हैं कितना जमीन पर उतरता है। तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी जी बता गए कि यहाँ से अभी खंजा डलवा दिया जाए, एसडीएम साहब बता गए। एक नापाक हरकत हमारे वीर जवानों के साथ की गई, अबोध रूप से उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, पीछे से वार करके और उनको मारा गया। वाकई दिल में बदला लेने की भावना जागती है। जाए तो हम लोग उसकी पुण्यतिथि बड़े ही दुखी मन से मनाते हैं, और दुख तो वास्तव में होता ही है, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन शहीदों की जब भी हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं तो उसमें एक गौरव और शौर्य भी शामिल होता है। अंदर से दुख बिछड़ने का रहता ही है, उसे हम लोग नहीं मिटा सकते, लेकिन एक गौरवशाली क्षण भी होता है जब भी कोई अपने देश के लिए शहीद होता है। और ऐसे भारत के वीर सपूत श्री शहीद राम वकील जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे लिए गौरव का भी क्षण है और शौर्य का भी है। अपने देश के लिए जो बलिदान हो, ऐसे सपूतों को सभी माए जन्म देना चाहेंगी।